तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने आर्ट मटेरियल है, और इसमें सबसे पहले है ब्रूस्ट्रो कंपनी के आर्टिस्ट ऑयल पेंटिंग पेपर्स हैं, आप देख सकते हैं 33% फ्री भी है इसमें। चलिए फिर हम अब इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने जो शीट है इसमें ऑलरेडी जेसो अप्लाइड है, और इसकी विड्थ देखिए आप। थोड़ा हार्ड पेपर है ये, नॉर्मल पेपर से अच्छा शीट है यूज़ करने के पर्पज़ से। चलिए अब हम आगे कलर्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने कैमल के स्टूडेंट्स ऑयल कलर्स हैं, इसमें हमारे पास 12 शेड्स हैं। और ये इसकी प्राइसिंग है 300 रुपीज़, 12 शेड्स अवेलेबल हैं इसमें हमारे पास। आइए इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं ओपन होने के बाद। इतने शेड्स हैं हमारे पास, और एक देख लेते हैं हम लोग इसमें चेक करके। ब्लू देखिए, इसमें मेंशन भी है ब्लू का कौन सा शेड है विद नेम। और ये हमारे पास शेड्स देखिए, हर दो दो शेड्स हैं, ब्लू के दो शेड्स हैं, रेड के भी दो शेड्स हैं, येलो के 3 शेड्स हैं, और बाकी सबके एक एक शेड्स हैं, ब्राउन ब्लैक एंड वाइट। तो इतने शेड्स हमें मिलते हैं इसमें। अब ऑयल देख लेते हैं। हमारे पास कैमल कंपनी का ऑयल है, लिंसिड ऑयल है ये, और इसकी प्राइसिंग देखते हैं। 100 रुपीज़ की प्राइसिंग है इसकी, 100 ml की बॉटल है ये। इसके प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं क्या इसके प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए हमें, और देख सकते हैं 100 ml। एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या इसकी स्मेल है। स्मेल तो मैं ही आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, मतलब अदर ऑयल्स के कंपैरिजन में ये इसकी स्मेल ठीक है। जैसे टर्पेंटाइन ऑयल होता है ना, उसको थोड़ा सा भी खुला छोड़ दो तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड आती है, ये ठीक है। अब ब्रशेस देख लेते हैं। ये ब्रशेस हैं हमारे पास, ये सबसे बड़े साइज़ का ब्रश मैं यूज़ करती हूँ अपने मिनी कैनवासेस और बाकी पेंटिंग्स में। इसके हेयर्स बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हैं, आप देख सकते हैं। और ये कैमलिन कंपनी का है। वैसे ही हमारे पास दूसरा ब्रश है, ये भी फ्लैट ब्रश है, थोड़े छोटे साइज़ का है, बाकी ये पॉइंटेड ब्रश है, और ये अदर कंपनी का ही है, और ये भी फ्लैट ब्रश है। तो ये 3 साइज़ हैं फ्लैट ब्रशेस के जो मैं अपने पेंटिंग्स में यूज़ करती हूँ, और इन्हीं को ही हम अपनी ऑयल पेंटिंग में यूज़ करेंगे, कोई अलग ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और ब्रश है मेरे पास, दिखाती हूँ आप लोग को। ये हम ज़्यादातर अपनी पेंटिंग में ट्री के शेड्स के लिए यूज़ करते हैं। एक और ब्रश है राउंड ब्रश, ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग में। तो ये फाइनली ब्रशेज़ हैं हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं अपने पेंटिंग्स में। तो चलिए पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये कैनवस लिया है मैंने अपना बनाया हुआ घर से ही, और अपने इस पर पेंटिंग कर रही हूँ, येलो कलर से मर्ज कर रही हूँ। अभी दिखाऊंगी कि कैसे मैं कलर को इसमें स्प्रेड करती हूँ। देखिए मैं ये येलो कलर ले रही हूँ, और अब मैं इसको इस पर स्प्रेड करने की कोशिश करूँगी। आप देख सकते हैं ये इजीली स्प्रेड नहीं हो रहा है, काफ़ी फोर्स लग रहा है। तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैंने ऑयल निकाल लिया है अलग से, ऑयल को स्प्रेड करेंगे, थोड़ा और ले लेते हैं।
क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा कम ही ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि ऑयल से शाइन तो आती है पर सूखता जल्दी नहीं है ये ऑयल, तो काफ़ी देर लगता है पेंटिंग को सूखने में। आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये स्प्रेड हो रहा है पूरे कैनवस पे। अभी हम इसमें कलर भी मर्ज करेंगे, तब आप देखिएगा कि ये कितनी आसानी से मर्ज हो जाता है, कोई स्ट्रोक नहीं इसमें दिखता ब्रश का। चलिए हम दिखाते हैं आपको एक दूसरा कलर मर्ज करके। अब हम इसमें दूसरा कलर मर्ज कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से। ओनली कलर स्प्रेड नहीं हो रहा है तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और फिर से इसको मर्ज करेंगे। देख सकते हैं ये कितने आसानी से मर्ज हो जा रहा है। ऑयल के ऐड करते ही एकदम जादू हो जाता है, स्प्रेड करना आसान हो जाता है। अभी मैं कैनवस की बाउंड्रीज को अच्छे से फिनिश कर रही हूँ। और देखिए हम किसी भी डायरेक्शन में ब्रश को स्प्रेड करें, मतलब ब्रश को किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, ये इसलिए ही हमारा मर्ज होता जाता है, कोई स्ट्रोक नहीं आता। अभी आपको थोड़ा क्लोज दिखाऊंगी, क्लोज व्यू देखिए। अब हम इसमें वाइट कलर यूज करके देखते हैं, सर्कल बना रहे हैं और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर मर्ज नहीं हो रहा है। तो फाइनली अब हम अपने स्काई लुक को कंप्लीट कर चुके हैं और सन की ब्राइटनेस पर फोकस कर रहे हैं। देखिए ये स्ट्रोक्स कितने आसानी से मर्ज हो रहे हैं, कोई ब्रश का निशान नहीं बन के आ रहा है साथ में। आप सोच रहे होंगे कि ये जो डांसिंग गर्ल्स बनी हैं इनकी आउटलाइनिंग कैसे की गई है, तो वो मैंने फ्री हैंड बनाई है और विदाउट इंक पेन को यूज़ करके बनाई है। सो गाइस हमारे पेंटिंग का लुक कुछ इस तरह से आया है, अभी ये सूखा नहीं है तो आप देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।